हेलो माय डियर ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद एबी एक्सपर्ट। सो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इग्नू सेकेंड ईयर इंग्लिश का कोड, जो कि हमारा है BEGC 133। ये हमारा ब्रिटिश लिटरेचर, इस बुक का नाम है हमारा और इस कोड का नाम है BEGC 133। तो इसमें मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज ब्लॉक फोर को। ब्लॉक फोर हमारा, इसमें नॉवल गिवन है जो कि नाम है मोर्टेडी ऑथर। आज हमारे नोवेल का नाम क्या है? मोर्टेडी ऑथर। तो इस नोवेल को हम समझेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात तो ये है आप सभी के लिए कि इस ब्लॉग की वीडियो आपको यूट्यूब पे ज़्यादा नहीं दिखाई देगी। ज़्यादा क्या, आपको बिल्कुल भी एक भी वीडियो, आप ऐसी वीडियो ढूंढ के दिखा देना जो कि इस तरीके से समझाई गई हो। इस वीडियो में मैं आपको अच्छे तरीके से हर एक चीज़ समझाऊंगी। मोर्टेडी ऑथर जो आपका नोवेल है, ये बहुत ही ज़्यादा टफ माना गया है, बिकॉज जितने भी आपके इसमें टोटल फोर ब्लॉग गिवन है, फोर ब्लॉग में एक भी नोवेल इतना टफ नहीं है जो कि लास्ट आपका नोवेल ब्लॉक फोर मोर्टेडी ऑथर है। तो इसमें मैं आपको बताऊँगी बहुत ही ज़्यादा, मतलब इस तरीके से बहुत अच्छे से समझने वाला टॉपिक है। हर एक टॉपिक को मैं आपको समझाऊंगी और हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं आपके लिए लेके आई हूं। तो इस वीडियो को गलती से भी स्किप ना करें। चलिए तो देखते हैं। देखिए, मैंने पहले ही आपको सभी को बता दिया कि आपको कहीं भी YouTube पे कहीं नहीं ऐसी वीडियो मिलने वाली जो कि इतना ही डिटेल में समझाया गया हो। शायद ही वीडियो लंबी हो जाए, बट मैं पहले ही आपको बता रही हूँ कि इसमें मैं हर एक पॉइंट आपको क्लियर करूँगी। हाँ, एक वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी पहले की, जो कि मेरे थ्रू ही पढ़ाई गई है पहले वाले चैनल पर, तो उसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी, वो वीडियो गड़बड़ है, इस वजह से मैंने ये वीडियो लेके आई हूँ। जो मेरे पहले वाले चैनल पर अपलोड थी, वो वाली वीडियो गड़बड़ हो चुकी है। अब मैं इसमें ये वीडियो लेके आई हूँ और इसमें मैं आपको हर एक पॉइंट को क्लियर करूंगी, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट को क्लियर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। देखिए, मोर्टेडी ऑथर जो हमारा है, ये नोवेल है हमारा जो कि फोर्थ ब्लॉक में गिवन है। ओके, यानी कि BEGC 133 बुक के फोर्थ ब्लॉक में हमारा गिवन है मोर्टेडी ऑथर। ये हमारा एक नॉवल है जो कि किसके थ्रू लिखा गया था? ये लिखा गया था अल्फ्रेड टेनिसन के थ्रू। तो चलिए जानते हैं, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे। नॉवल स्टार्ट करने से पहले, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले, इस ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, टाइटल हम देखेंगे। हमारा टाइटल क्या है? मोर्टेडी ऑथर हमारा टाइटल है। अब देखिए, जो मोर्टेडी ऑथर है, इसमें टोटल ये आठ बुक के बारे में बताई गई है। अब आप बोलोगे आठ बुक के बारे में मतलब, तो अभी आप आके समझोगे, पर इतना मैं बता दूँ, ये जो फोर्थ ब्लॉक है मोर्टेडी ऑथर, इसमें एट बुक्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। अब वो एट बुक्स है कौन सी, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। एंड सेकेंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? रिटन बाय, ये जो मोर्टेडी ऑथर है, रिटन बाय किसके थ्रू लिखी गई है? अल्फा लॉर्ड टेनिसन के थ्रू। इसे आप अल्फा टेनिसन भी बोल सकते हो, अल्फा लॉर्ड टेनिसन भी बोल सकते हो और टेनिसन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या लिखी गई है ये बुक्स, ये जो मोर्टेडी ऑथर बुक्स है ये लिखी गई है। एंड थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट लाइन है, लाइन यहाँ पे है राइटिंग स्टार्टेड, यानी कि जो राइटिंग थी वो स्टार्ट कब हुई थी, लिखना कब शुरू हुआ था? तो 1835 में हमारी ये बुक लिखनी स्टार्ट हुई थी एंड 1842 में हमारी बुक कंप्लीट हो गई थी लिखकर। देखिए यहाँ पे आप पॉइंट देखिए, और पॉइंट नंबर 3 और 4 जो कि बताया गया है इन दोनों में, कि इस बुक को लिखना कब शुरू हुआ था? 1835 में, यानी कि 1835 में। एंड इसे लिखकर कंप्लीट कब हो गया था? 1842 में, यानी कि 1842 में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट हमारे यहाँ पे है पब्लिश्ड इन, यानी कि इस बुक को कब पब्लिश की गई थी, इस बुक को पब्लिश्ड यानी कि पब्लिक कब किया गया था? तो 1859 में इस बुक को पब्लिश्ड की गई थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसको आप ध्यान रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट 6 पॉइंट यहाँ पे हमारा है, बुक्स डिफरेंट नेम, यानी कि इस बुक के ना अलग अलग नेम है। ये जो मैंने आपको मोर्टेडी ऑथर बुक्स बताया है, इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम है, जो कि देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये बुक्स एक तो मोर्टेडी ऑथर के नाम से भी लिखी गई है, यानी कि इस बुक का नाम कहीं कहीं पे जो आप ये पब्लिश हुआ है तो मोर्टेडी ऑथर के नाम पे हुआ है, बाकी स्टोरी सेम है। कहीं पे हुआ है द पासिंग ऑफ ऑथर, ओके, ये सेकेंड नेम है। साथ क्या इसका एक और नेम है, आप बोल सकते हो द डेथ ऑफ किंग ऑथर। तो ये सब बुक्स के नेम है और इसके अलावा और भी नेम्स हैं। बाकी यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट 3 नेम्स लेके आई हूँ जो कि इस बुक्स के डिफरेंट डिफरेंट नेम आपको दिखा रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट 7, ओरिजिनल बुक। अब देखिए, अब हम आए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। हमने ऊपर क्या देखा, मोर्टेडी ऑथर के रिलेटेड सारे पॉइंट्स को देख लिए। अब हम देखेंगे जो मोर्टेडी ऑथर हमारी बुक्स है, ठीक है, मोर्टेडी ऑथर हमारी जो नॉवल है, ये रियल नहीं है। ये जो बुक्स है ना मोर्टेडी ऑथर, ये रियल नहीं है। ये जो इसका ओरिजिनल जो बुक्स था ना, ओरिजिनल बुक सबसे पहला बुक वो था ले मोर्टेडी ऑथर। देखिए क्या डिफरेंट है इन दोनों में, मोर्टेडी ऑथर और ले मोर्टेडी ऑथर में। मोर्टेडी ऑथर क्या था, वो सिर्फ इतना था मोर्टेडी ऑथर, और इसमें ले भी मिल रहा है। तो ले मोर्टेडी ऑथर हमारा सबसे फर्स्ट बुक था, सबसे पहला बुक था।
ठीक है, जो किसके थ्रू लिखी गई थी, जो लिखी गई थी थॉमस मेलोरी के थ्रू। यहाँ देखिए, थॉमस मेलोरी के थ्रू हमारी वो वाली बुक्स लिखी गई थी, ले मोटरडी ऑथर। ओके, याद रखना आप। एंड देखिए, जो ले मोटरडी ऑथर बुक्स है हमारी, ये टोटल 21 बुक्स लिखी गई थी थॉमस मेलोरी के थ्रू। 21 बुक्स लिखी गई थी, जो कि 21 बुक्स में से 8 बुक्स को डिफाइंड किया गया है मोटरडी ऑथर में। समझ गए आप? आप सभी समझ गए होंगे। जो हमारा फोर्थ ब्लॉक है, फोर्थ ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ उसमें 8 बुकों के बारे में बताया गया है। मैंने आपको ऊपर ही बताया था। देखिए यहाँ पे जो ये फोर्थ ब्लॉक है, इसमें सिर्फ किसके कितने बुक्स के बारे में बताए गए, ओनली 8 बुक्स के बारे में डिफाइन किया गया है। अब ये 8 बुक्स कौन से हैं, यानी कि 21 बुक्स लिखी गई थी पहले, सबसे पहली जो बुक्स लिखी गई थी ले मोटरडी ऑथर, वो 21 बुक्स थी। अब 21 बुक्स में से 8 बुक्स के बारे में किसने बताया, 8 बुक्स के बारे में बताया गया है ओनली मोटरडी ऑथर में। ओके, हमने देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट 8 हमारा है, रिटन बाय, यानी कि थॉमस मेलोरी के थ्रू ये ले मोटरडी ऑथर बुक लिखी गई थी। और जो मोटरडी ऑथर है, जो हमारे उसमें नोवेल में गिवन है, जो हमारी बुक्स में गिवन है, वो कौन सा है, वो किसके थ्रू लिखी गई है, वो लिखी गई है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के थ्रू। और ये किसके थ्रू लिखी गई थी, थॉमस मेलोरी के थ्रू। ये नेम याद रखना आप सभी, कभी आप गलती करते ना एग्ज़ाम में, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के थ्रू आप थॉमस मेलोरी लिख देना, या फिर थॉमस मेलोरी की जगह अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन लिख, मतलब जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड आउट करके देन उसके बाद ही आप आंसर देना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, थॉमस मेलोरी एंड अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन थे कौन। जो थॉमस मेलोरी थे और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन थे, ये थे कौन, ये है कौन, ये कौन से पर्सन है, तो ये क्या है, ये एक प्ले राइटर थे। प्ले राइट्स का मतलब होता है यानी कि कविता या कोई भी राइटिंग लिखने वाले को हम क्या कहते हैं, प्ले राइट। ओके, ये प्ले राइट्स थे, एक नॉवेलिस्ट थे, एक राइटर थे, कौन, थॉमस मेलोरी एंड अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट, 10वां पॉइंट हमारा है थीम्स। तो देखिए, इस स्टोरी का थीम्स क्या है, यानी कि ये जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं, अभी सुनने वाले, इस स्टोरी का थीम क्या है, तो इस स्टोरी में क्या दिखाया गया, इस स्टोरी में ना आपको दिखाया गया एक पावर को, ओके, साथ के साथ एक गुड वर्जेंस एंड इविल्स। देखिए इसमें बताया गया है एक लव को भी, तो देखिए इसमें बताया गया है एक ह्यूमैनिटी को दिखाया गया, इंसानियत को दिखाया गया, अच्छाई को, एक बुराई को, एक हकीकत को, एक क्या बोलते हैं, सही चेहरे को दिखाया गया है। यानी कि आपने देखा होगा कि जिसको हम जो अच्छा समझते हैं वही इंसान हमारे सामने बुरा निकलता है, और जिसको हम सबसे ज़्यादा बुरा समझते हैं वही हमारे सामने सबसे अच्छा निकलता है। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है इस स्टोरी में, हमें यही देखने को मिलेगा कि किसी की अच्छाई किसी की बुराई देखने को मिलेगी, किसी का मतलब आप देखा जाते गुडनेस, कुछ अच्छी आदतें देखने को मिलेगी, किसी के पावर को देखने को मिलेगा, कोई अपने पावर को दिखाने की वजह से क्या क्या, मतलब इसमें यही सब दिखाया गया है। और मोस्टली मैं बता दूँ, इस नोवेल में हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ वॉर के बारे में, वार, इसमें वार को ही दिखाया गया, यानी कि एक लड़ाई फाइट को ही दिखाई गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है हमारा सेटिंग। सेटिंग क्या होता है, सेटिंग का मतलब तो मैंने आपको हर एक ब्लॉग में बताया है और हर एक नोवेल मैंने आपको समझाया है। सेटिंग का मतलब होता है किसी भी नोवेल का बैकग्राउंड, ओके, प्लेस बैकग्राउंड हो गया या लैंग्वेज बैकग्राउंड हो गया, यानी कि इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई है, और इस जो ये नोवेल है इसकी कौन, इसके कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, कौन क्या फॉलो कर रहा है, किसका रोल फॉलो कर रहा है, ये सब इसमें बताया गया। तो देखिए इसमें जो अगर प्लेसेस की बात करें तो इंग्लैंड एंड फ्रांस ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन किंग, तो देखिए इसमें बताया गया इंग्लैंड इसमें बैकग्राउंड है एंड फ्रांस, ठीक है, वहाँ की स्टोरी है। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा सेटिंग्स को भी एक बार अच्छे से। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें सेंट्रल कैरेक्टर कौन है, इसमें मेन कैरेक्टर कौन है इस स्टोरी का, किंग ऑथर ही सबसे मेन कैरेक्टर है, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मोटरडी ऑथर जो मैंने आपको बताया उसमें ओनली 8 बुक्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, ओके, जो कि लास्ट मोमेंट है, सबसे लास्ट मोमेंट है, 8 बुक्स के बारे में डिफाइन किया गया। और जो ले मोटरडी ऑथर उसमें टोटल 21 बुक्स है जो कि टोटल अच्छे से डिफाइन किया गया। तो चलिए सबसे पहले हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट है ले मोटरडी ऑथर। अगर आप ले मोटरडी ऑथर को अच्छे से समझ लोगे तो मोटरडी ऑथर को भी अच्छे से समझ लोगे, बिकॉज मोटरडी ऑथर तो हमारा लास्ट मोमेंट को दिखाया गया है, हमारे जो बुक्स में गिवन है मोटरडी ऑथर उसमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट मोमेंट को दिखाया गया, और ले मोटरडी ऑथर में पूरे अच्छे से दिखाया गया जब किंग ऑथर की किंग ऑथर इस दुनिया में आए भी नहीं थे तब से ही स्टोरी के बारे में बताया गया। तो चलिए ले मोटरडी ऑथर को पहले समझते हैं। देखिए सबसे पहले स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम कैरेक्टर्स को देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को, जो कि सबसे पहले कैरेक्टर्स हमारे यहाँ पे हैं ले मोटरडी ऑथर की कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं हम।
तो सबसे फर्स्ट कैरेक्टर कौन है, किंग यूथर, ठीक है। ये कौन है, ये जो किंग ओथर है उसके फादर है, ओके उसके फादर है सबसे पहले, यानी कि इंग्लैंड का राजा था ये पुराने टाइम में, इसके बाद बनता है किंग ओथर, ठीक है। ओथर्स फादर थे ये, ठीक है। ओथर्स स्टोरी बिगनिंग विद यूथर, यानी कि जो ऑथर्स स्टोरी है, यानी कि किंग ऑथर की जो स्टोरी है वो कहाँ से स्टार्टिंग होती है, यूथर से स्टार्टिंग होती है। इन दोनों नेम में आप कंफ्यूज मत होना, किंग ऑथर और किंग यूथर अलग है, ओके गाइस। कभी आप सोचना कि किंग ऑथर एक ही है, किंग यूथर अलग है। देखिए जो किंग ऑथर है ना, ये जो किंग ऑथर, इस ऑथर, ये ऑथर कोई वो नहीं है, राइटर नहीं है, इस ऑथर एक पर्सन का नाम ही है। तो ये जो किंग ऑथर है ये यूथर का सन है, बेटा है, ओके याद रखना आप। तो सबसे पहला राजा कौन था, किंग यूथर। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इग्रेन, इग्रेन सेकंड कैरेक्टर है इसमें। इग्रेन कौन है, इग्रेन है शी इज़ द मदर ऑफ किंग ऑथर। ये कौन है, ये मदर है, किंग ऑथर की मदर है, ओके याद रखना। ओके थर्ड कैरेक्टर हम देखते हैं, इग्रेन को हमने देख लिया, अब हम देखेंगे मर्लिन। मर्लिन कौन है, हु इज़ मर्लिन। मर्लिन एक मैजिशियन है, आपने देखा होगा मैजिक करने वाले को जो मैजिशियन होते हैं, यानी कि जादूगरनी आप हिंदी में बोल सकते हो। तो मैजिशियन कौन है, ये एक मर्लिन है। मर्लिन भी इसमें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, यानी कि इसका भी काफ़ी रोल है इस स्टोरी में, इस स्टोरी में हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन इनकी कोई फैमिली मेम्बर्स नहीं है, ये बस एक मैजिशियन है, यानी कि एक जादूगरनी है, एक विजार्ड है, विजार्ड आप बोल सकते हो, द ग्रेट विजार्ड ऑफ द, ओके तो एक ग्रेट विजार्ड है। चलिए अब हम देखते हैं किंग ऑथर, किंग ऑथर कौन है, जो कि अब आ चुके हैं मेन कैरेक्टर्स। किंग ऑथर जो बाद में होते हैं आगे चलकर, इनका इनका जन्म होता है, तो किंग ऑथर कौन है, ऑथर वॉज मेन कैरेक्टर्स इन दिस नॉवल। और ये किंग ऑथर जो है ना, ये मेन कैरेक्टर्स है स्टोरी में, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा गुनीवर, गुनीवर कौन है, गुनीवर जो है मदर ऑफ किंग, देखिए यहाँ पे गलत हो गए हैं, जो यहाँ पे है इग्रेन, इग्रेन मदर थी, एंड यहाँ पे जो गुनीवर जो है ये मदर नहीं है, मदर ऑफ किंग ऑथर नहीं है, ये वाइफ ऑफ किंग ऑथर है, ठीक है, ये आप कट कर लेना, यहाँ पे वाइफ आएगा, ओके गाइस समझ लेना। बाकी जब मैं पीडीएफ सेंड करूँगी टेलीग्राम पे तो मैं इसे करेक्शन कर दूँगी, मदर की जगह आपको यहाँ पे वाइफ लिख दूँगी। तो ये जो गुनीवर होती है ना, ये आगे चलकर वाइफ बनती है, किसकी, ये बनती है किंग ऑथर की वाइफ बनेगी आगे चल के। तो यहाँ पे मदर हटा के आप एक बार इस यहाँ पे वाइफ लिख देना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, तो गुनीवर कौन है, ये तो गुनीवर जो है ये वाइफ है किंग ऑथर की, ओके। एंड इसके बाद हम देखते हैं, ओके नेक्स्ट हम देखते हैं सर लॉन्चेलॉट। सर लॉन्चेलॉट कौन है, ये एक वफादार नाइट है। लेकिन नाइट का मतलब क्या होता है, ये जो नाइट वर्ड गिवन है यहाँ पे देखिए, ये जो नाइट वर्ड गिवन है इसका मतलब क्या होता है, नाइट का मतलब होता है एक सैनिक, सिपाही, उसी को नाइट कहा गया है। तो एक वफादार नाइट है ये, एक बहुत ही ह्यूमन, मतलब एक अच्छा काइंड पर्सन, काइंड नाइट है ये, बहुत ही दयालु है, बहुत ही मतलब एक बोलते ना होनेस्ट, ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट पर्सन है ये बहुत ज़्यादा ही, सर लॉन्चेलॉट। तो सर लॉन्चेलॉट को जो किंग ऑथर है बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा ही, ओके ओके नेक्स्ट हम देखते हैं। बट क्या होता है कि जो किंग ऑथर है ना, जितना किंग ऑथर लॉन्चेलॉट को मानता है उतना ही आगे चलकर नफरत भी करने लगता है, बहुत ज़्यादा ही, जितना मानता है उससे कहीं ज़्यादा नफरत कर बैठता है बाद में आगे चल के। अब इसका रीज़न क्या होगा ये मैं आपको आगे बताऊँगी। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं मॉर्डेड, मॉर्डेड कौन है, मॉर्डेड कौन है, ये ऑथर सन होता है आगे चलकर ऑथर का एक लड़का होता है जिसका नाम मॉर्डेड होता है। तो ये जो होता है ना, इसे नजायज बेटा भी बोला गया है मॉर्डेड को, बिकॉज इसमें नजायज़ का मतलब कोई गलत वो नहीं है, बस ये है कि एक माँ बाप की कहीं ना कहीं एक माँ बाप की नहीं सुनना, माँ बाप से नफरत करना, ये सब चीज़, और उनसे मतलब बहस करना, अपनी मनमानी करना, ये मॉडर्न के अंदर था। ये अपनी ही हर चीज़ सुनता था, मतलब अपनी मदर की नहीं, फादर की, किसी को कुछ नहीं, बस अपनी मनमर्जी। तो इसलिए इसे एक नजायज़ बेटा कहा गया है, और ये मतलब एक अपनी इच्छा के लिए, अपनी मर्जी से अगर इसको मन करेगा तो ये किसी का भी मर्डर कर सकता है, चाहे उसकी माँ हो या फिर फादर हो। तो इसलिए यहाँ पे एक नजायज़ बेटा कहा गया है। ओके एट कैरेक्टर्स हम देखते हैं ग्वेन, एक ग्वेन है जो कि सर ग्वेन भी बोल सकते हैं मैंने, तो सर ग्वेन ये कौन है, आ नाइट इन ऑथर्स, यानी कि ये भी एक सिपाही में ही है, लेकिन ये ना एक भतीजा भी है, किसका, ये है जो किंग ऑथर है उसका एक भतीजा है, ये भतीजा भी है और ये भी नाइट में भी है। हु पार्टिसिपेट्स कॉर्ट्स, हु पार्टिसिपेट्स अलोंग विद हिज ब्रदर्स। देखिए जो ग्वेन है ये कौन है, ये मैंने आपको बता दिया, इसका भतीजा है,
जो कि ऑथर का भतीजा है, और साथ के साथ कौन है, सरगुएन। सरगुएन ऑथर के भतीजे होने के साथ साथ ये एक नाइट भी, एक वफादार, ये भी ऐसे ही मतलब वफादार तो नहीं बोल सकते, बस एक नाइट है, जो कि ये भी एक सिपाही है, सिपाही में भी है। चलिए तो हमने देख लिया टोटल कैरेक्टर्स को, टोटल 8 कैरेक्टर्स मैंने आपको बताया। एक बार मैं सामने स्क्रीन के सामने ले आती हूँ ताकि आप अच्छे से देख लो। देखिए ना, सारे कैरेक्टर्स मैंने आपको लिखवा है, अगर आप लिखोगे तो लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी अच्छे से स्टार्ट करते हैं, स्टोरी को ध्यान से सुनना सभी स्टूडेंट। गाइज हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक एंड थर्ड ब्लॉक की स्टोरी मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, यानी कि फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक एंड थर्ड ब्लॉक की वीडियोस मैंने पहले ही अपलोड कर दिए, तो उनको भी आप जरूर देख लीजिए एग्जाम से पहले, बिकॉज उनमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्टोरी स्टार्ट होती है, तो ये होती है जो किंग यूथर था, जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे पहला जो राजा था, तो किंग यूथर जो था वहाँ उनके एक महल से स्टार्ट होती है स्टोरी। तो देखिए जो किंग यूथर होते हैं उनकी ना फाइट चलती रहती है अदर कंट्री के किंग से, ठीक है। तो आपको पता है कि पहले के टाइम में जो फाइट वगैरह चलती थी वो क्यों चलती थी, पहले के टाइम में राजा महाराजा जो थे वो फाइट करते थे किसी अदर किंग से, वो इसलिए करते थे ताकि अपने राज्य, अपने साम्राज्य का विस्तार करें, यानी कि एक एक स्पेस को बढ़ाने के लिए, कहीं ना कहीं एक जो होता है ना कि अपना वो राज कर रहे थे, जितने जितने भी एरिया में वो खुद का राज कर रहे थे, तो वो अपने अपने साम्राज्य को और बड़ा करना चाहते थे, तो इस वजह से दूसरे अदर कंट्री के राजा से वो फाइट कर रहे थे, ठीक है। और ताकि वो मर जाए, वो हार जाए। पहले में क्या होता था कि पहले के फाइट में कोई राजा महाराजा आपस में हार जाते थे, तो वो अपने जो अपने महल को या अपने साम्राज्य को जो जीत गया है उसके नाम कर देते थे, पहले ये होता था। तो फिर क्या होता था, वैसे इस वजह से ही फाइट चल रही थी, जो किंग यूथर है उसकी लड़ाई चल रही थी किसी अदर कंट्री के स्टेट के कौन किंग से, ओके। तो अदर कंट्री के स्टेट के किंग से उनकी फाइट चल रही थी, पर वो जिस किंग को मारना चाहता था, तो वो क्या 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 वो चाहता था कि वो मर जाए ताकि उनके साम्राज्य पे इनका क्या हो जाए, शासन हो जाए, किसका, किंग यूथर का, ओके। फिर क्या होता है, किंग यूथर एक चाल चलता है, सोचता है कि फाइट के लड़ाई से तो कुछ नहीं होने वाला, कभी प्यार से भी करना पड़ेगा। तो फिर किंग यूथर क्या करता है कि वो जो राजा होते हैं, ठीक है, उसके साथ एक अच्छा एक मतलब अच्छा व्यवहार बनाने की कोशिश करता है, साथ क्या बिहेवियर उसके साथ अच्छा रखता है, और उसके साथ अच्छे से रहने की कोशिश करता है, एक अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करता है। फिर जैसे जैसे इन दोनों में थोड़ा रिलेशन ठीक होता है दोनों राजाओं में, फिर वो अपने घर पर इन्वाइट करता है। अब देखना क्या चाल चलता है किंग यूथर, तो अपने घर पर इन्वाइट करता है, फिर अपने घर पर जब इन्वाइट करता है तो जैसे ही वो जो किंग है और साथ में उनकी वाइफ, वो दोनों ही आती हैं किंग यूथर के घर पे, तो उनके महल में आती है, तो फिर जो किंग यूथर है उसको अच्छे से मतलब उनका वेलकम करता है, अच्छे से खिलाता पिलाता सब चीज़ करता है, और काफ़ी अच्छे से इनमें भी दोस्ती हो जाती है बहुत ही अच्छी, ओके। बट ये दोस्ती सिर्फ और सिर्फ नाम की होती है, बिकॉज आपको पता ही जो किंग यूथर है उनका सब प्लान ही था, ओके। जब बुलाया जाता है, फिर जो किंग यूथर है उसका प्लान होता है कि राजा जब हमारे घर पर सोएगा, खा पी के जैसे ही सोएगा, तो हम उसी टाइम पर उसकी मृत्यु कर देंगे, कहने को उसकी डेथ कर देंगे, हम उसका मर्डर कर देंगे, ये उनका प्लान होता है किंग यूथर का। तो ये प्लान रात के टाइम पे उसकी बीवी को पता चल जाता है, उसकी वाइफ को, यानी कि जो राजा किंग यूथर के घर पे आया होता है, तो उसकी वाइफ को पता चल जाता है कि आखिर हमें मारने की साजिश रची जा रही है। इस वजह से उसकी जो वाइफ है वो जाके अपने अपने क्या कहते हैं अपने हस्बैंड को बताती है, कहती कि जो हमें किंग यूथर ने यहाँ पे बुलाया है, इनवाइट किया है, उनका इनविटेशन कोई सिर्फ दोस्ती के लिए नहीं है, इनफैक्ट वो हमें मारना चाहते हैं, ये वो सारी बातें अपने हस्बैंड को बता देती है। फिर वो और किंग यूथर तो अपने मतलब अपने महल में ही रहता है, लेकिन क्या होता है कि जिस राजा को उसने इनवाइट किया था वो राजा और उसकी वाइफ मतलब निकल जाते हैं। फिर जैसे ही खबर होता है, किंग यूथर को खबर होती है कि वो निकल चुके हैं, तो किंग यूथर को बहुत गुस्सा आता है कि सारा प्लान चौपट हो गया, मतलब हमने अपने प्लान को वो भी नहीं दिया, और मैं पूरा भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, स्टार्ट भी नहीं किया, और वो निकल गए। तो फिर किंग यूथर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर क्या होता है कि किंग यूथर फिर ऐसे दो कुछ टाइम बीत जाता है, फिर कुछ टाइम बाद सडनली किंग यूथर के पास खबर आती है कि जिस राजा को किंग यूथर मारना चाहता था वो राजा अब मर चुका है, ठीक है। जिस भी राजा को किंग यूथर मारना चाहता था वो राजा मर चुका है। फिर किंग यूथर को क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ही मतलब खुशी होती है ये जान के कि आखिर फाइनली मुझे कुछ करना नहीं पड़ा और वो अपने आप ही मर गया। तो ये सोचता अब उसका क्या होता है कि किंग यूथर अब खाली अब एक प्रॉब्लम होती है, किंग यूथर सोचता है
कि चलो राजा तो मर गया बट जैसे तैसे करके उसके उसके राज्य को भी अपने मतलब अपने साम्राज्य में वो करना है, अपने राज्य में मिलाना है, उसके राज्य को भी खुद के नाम करना है और अपना साम्राज्य का विस्तार करना है। तो कहीं ना कहीं वो ये सोचता है। फिर क्या होता है कि इसमें अब एंट्री होती है, मैंने आपको बताया था एक जादूगरनी थी जिसका नाम क्या था, मर्लिन। ओके, मर्लिन नाम की एक लेडी थी। तो ये कौन थी, मर्लिन नाम की एक लेडी थी, वो थी एक मैजिशियन। मैजिशियन यानी कि मैजिक करने वाली जादूगरनी बोल सकते हो आप इसे। तो मर्लिन उसे सजेस्ट करती है किंग यूथर को। मर्लिन जो है यहाँ एक फैमिली मेम्बर्स नहीं दिखाए गए, इसे एक मतलब एस्ट्रोलॉजी का बोल सकते हो या फिर इसे आप एक जादूगरनी ही मैजिशियन ही बोलिए, एक विजार्ड है ये। तो मर्लिन को यहाँ पे विजार्ड के रूप में दिखाया गया है। तो जो मर्लिन होती है, मर्लिन सजेस्ट करती है किंग यूथर को कि किंग यूथर मतलब अगर अब तो वो उसके जो वो राजा है वो मर चुका है और उसकी जो बीबी है वो कहना कि अपने हस्बैंड के यादों में बहुत ज़्यादा परेशान है, तो एक काम करो कि मैं अपने मतलब मैजिक से तुम्हें उसके हस्बैंड का मतलब रूप दे दूँगी और तुम जाके उसके पास जाना और तो वो तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा ही खुश होएगी बहुत ज़्यादा और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो ये कौन देती है सजेशन, ये मर्लिन बताती है किंग यूथर को। और फिर वो बोलती है कि तुम उसके पास जाओ और जैसे ही वो तुम्हें मतलब तुम्हें देख के बहुत खुश हो जाएगी तुम्हारे साथ मतलब फिर वो सब चीज भूल के तुम्हारे साथ रहेगी, फिर तुम अपना आगे का क्या करना है कि मतलब जो जो करना चाहते हो जिस भी मतलब जिसको भी अपना नाम करना चाहते हो तो सबको धीरे धीरे अपने अपने साम्राज्य का अच्छे से विस्तार कर लेना और हर चीज़ अपने नाम कर लेना, ये मर्लिन बोलती है सजेस्ट करती है। तो किंग यूथर रेडी हो जाता है और बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि अगर ऐसा हो सकता है तो प्लीज़ ऐसा कर दो कि मैं ताकि मैं क्या करूं कि अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकूं और कहना कि मतलब ये मेरा काम भी हो जाए। बट जो मर्लिन होती है वो एक कंडीशन रखती है, उसकी भी एक शर्त होती है। मर्लिन कहती है कि चलो ठीक है मैं तो ऐसा कर दूंगी जिससे कि तुम्हारा भला होगा बट तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा मेरे लिए। तो किंग यूथर पूछता है कि हाँ ठीक है बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मर्लिन कहती है कि तुम जब उससे मिलोगे, जब उस रानी से मिलोगे तुम और उसके मतलब उसके हस्बैंड के रूप में जाओगे तो वो तुम्हें देख के कंट्रोल तो करेगी नहीं, फिर वो कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ फिर उसके साथ तुम्हारा और उसका रिलेशन बनेगा। ठीक है, रिलेशन बनने पर जो बेबी आएगा, जो बेबी आगे आगे चलकर जन्म होगा, जिसका भी जिस भी बेबी का जन्म होगा तो वो बेबी तुम मुझे दे दोगे, ये मर्लिन बोलती है। यानी कि तुम दोनों से होने वाला बेबी जो होगा, बच्चा जो होगा वो मुझे दे दोगे, ये मर्लिन कहती है। तो इस बात के लिए राजा एग्री हो जाता है। ओके, तो राजा जो है इस बात के लिए एग्री हो जाता है बट जो राजा की वाइफ होती है यानी कि जो राजा की वाइफ यानी कि रानी होती है इग्रैन, तो वो क्या वो राजी नहीं होती। इग्रैन होती है किंग यूथर की वाइफ। ओके, मैंने आपको पहले कैरेक्टर्स के नेम बता दिए हैं, आई होप आप सभी को याद होगा। तो जो इग्रैन होती है, इग्रैन मानती नहीं इस बात को, बिकॉज आपको पता है कि एक वाइफ हर चीज़ बांट सकती है लेकिन अपने हस्बैंड को नहीं बांट सकती, वो हर एक चीज़ किसी को दे देगी बट अपने हस्बैंड, तो इग्रैन मानती नहीं है। बट क्या होता है कि जो किंग यूथर होता है उसे तो सिर्फ और सिर्फ अपना साम्राज्य दिखता है और कुछ नहीं, अपना सब मतलब उस एक सिर्फ पैसा पैसा हर जगह वही दिखता है। आपको पता है कि पहले के राजा महाराजा क्या थे, बीबी भी कोई कुछ नहीं, सब चीज़ सिर्फ अपना राज्य और साम्राज्य और अपनी जनता, जो अभी के टाइम पे जनता बोलते हो पहले के टाइम पे जो भी मतलब, तो ये सब दिखता है ओनली। फिर क्या होता है कि ये राजा मर्लिन की बातें मानकर कहता है कि ठीक है तुम मुझे उसके रूप में मतलब वो कर दो। तो ये उसका रूप ले लेता है और ये चला जाता है उसके पास, उस रानी के पास। ओके, फिर जैसे ही ये जाता है उसके पास तो वो देखकर काफ़ी खुश हो जाती है, वो जो रानी होती है वो काफ़ी एक्साइटेड होती है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है राजा को देख के और बहुत ज़्यादा मतलब इतनी वो मतलब उस एक होता है ना जब कोई किसी से ज़्यादा प्यार करता है तो अगर उसकी डेथ हो जाए तो वो यकीन नहीं करता कि नहीं इसकी डेथ हो गई नहीं हो गई नहीं, और अगर उसी के रूप में कोई आ जाए तो बहुत खुश होती है कि हाँ मतलब वो मेरा जिंदा है ये नहीं, तो उस मरे हुए पे वो यकीन नहीं करती कि ये जो मेरे पास है ये मेरा है वो ऐसे, तो वही यही सीन होता है उस रानी के साथ। रानी जैसे ही उस राजा को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और अपने आप को संभाल नहीं पाती और राजा से गले मिल जाती है और कहीं ना कहीं फिर धीरे धीरे ये दोनों आपस में एक साथ रहने लगते हैं। ओके, फिर धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ने पे क्या होता है, धीरे धीरे जैसे समय निकलता जाता टाइम और आगे बढ़ता जाता है तो धीरे धीरे काफ़ी दिन बीतने पे क्या होता है कि जो राजा है और रानी ये काफ़ी एक साथ रहने लगते हैं। तो मतलब ये बिल्कुल ही अपने आप को मतलब एक वहीं का ही राजा समझने लगता है और जिसके रूप में आया था मतलब जिसका रूप उसने वो कर रखा था तो उसी के रूप में ही अपने आप को वो करने लगता है, समझने लगता है और अच्छे से मतलब अपने जनता को लोगों को गांव के लोगों को देखने लगता है अच्छे से। तो ये सब होता है। फिर आगे चलकर क्या होता है कि धीरे धीरे जो किंग ऑथर का जन्म होता है,
तो देखिए अब आता है इसमें मेन कैरेक्टर जो हमारा किंग ऑथर, तो उसका जन्म होता है। किंग ऑथर जब जैसे ही जन्म लेता है तो अभी इसको तो माननी पड़ेगी मर्लिन की बातें, क्योंकि इसने मर्लिन से प्रॉमिस कर रखा है। लेकिन क्या होता है कि जैसे किंग ऑथर का जन्म होता है तो ये बहुत खुश हो, ये भूल भूल चुका होता है कि मतलब मैंने मर्लिन को बोल रखा है कि बेबी को मैं दूंगा। तो ये किंग ऑथर का जन्म होता है, ये फिर क्या होता है कि किंग ऑथर का जन्म होने के बाद ये मतलब रानी को तो झूठ बोल नहीं सकता कि मतलब जो तुम्हारा बेबी है मुझे उसे देना पड़ेगा मर्लिन को, क्योंकि रानी भी पूछेगी ऐसा क्यों क्यों देना पड़ेगा हमें अपने बच्चे को। तो इसलिए क्या करता है कि रानी को झूठ बोल देता है कि जो हमारा बेबी है वो नहीं रहा, ये वो कुछ भी, मतलब रानी से झूठ बोल के उस बच्चे को छुपा के और वो मर्लिन को दिया आता है। ठीक है, तो जैसे ही वो बेबी को मर्लिन को दे देता है और रानी को झूठ बोल देता है कि हमारा बच्चा अब नहीं रहा ये वो। ठीक है, आपको पता है कि जब लेडी होती है उस टाइम पे बेहोश होती है और जो उसका बेबी होता है तो उस टाइम पे उसके बेबी को उसने लेके मतलब मर्लिन को दे दिया और वो बोलता है कि हमारा बेबी अब नहीं है, कोई नहीं। फिर ऐसे अपने बीवी को वो करता है, संभालता है और आगे के लिए बोलता है कि हमारा आगे होगा कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे बोल के फिर अपने टाइम को और आगे बढ़ाने लगता है। फिर जो मर्लिन के पास ये जो है किंग ओथर, तो धीरे धीरे मर्लिन के पास रहने लगता है। तो मर्लिन जो है किंग ओथर को बहुत ज़्यादा ही मतलब अपने बेटे की तरह मानती है, और किंग ओथर है उसी के पास पला पोसा होता है, यानी कि बड़ा होता है, तो उसे भी पता नहीं होता कि मेरी माँ कौन है, कौन कौन है, मतलब कौन क्या है, मैं अपना हूँ या फिर पराया हूँ या सौतेला हूँ, क्या हूँ। तो इसे ही कुछ नहीं पता होता, ये बस अब मर्लिन को ही अपनी माँ समझ के मर्लिन को, ये भी मर्लिन और मर्लिन में और किंग ओथर में काफ़ी मतलब एक दूसरे को लेके एक होता है ना अपनापन हो जाता है इन सब में। ठीक है, इन दोनों में तो जो किंग ऑथर होता है ना वो बचपन से ही उसकी आदत होती है, बिकॉज जो मर्लिन के साथ रहता है तो उसकी मर्लिन जो है वो जादूगरनी है, तो वो किंग ऑथर को भी मतलब मैजिशियन भी बनाती है। ठीक है, तो कुछ कुछ जादू वो किंग ऑथर को भी सिखाती है। तो किंग ऑथर भी खुद से ट्राई करता रहता है, कभी मान लो सपोज ग्लास रखा हुआ है तो ग्लास को दूर से ही अपनी मैजिक मैजिक से अपने फिंगर से घुमाकर ग्लास को उठा लेना या फिर ग्लास को गिरा देना, मतलब ये चीज़ को मूव कर देना बिना टच किए हुए। तो वो अपनी अंदर की शक्ति को निकालने की कोशिश करता था किंग ओथर, प्रैक्टिस दिन पे दिन प्रैक्टिस करता जाता, कभी ग्लास मतलब कभी किसी चीज़ को उठा के मूव कर देता बिना टच किए हुए, तो कभी किसी चीज़ को हिला देता, कभी कुछ कर देता बिना टच किए हुए, मतलब अपने अंदर की पावर को निकालता। आप समझ रहे होंगे किस तरीके से मैं बता रही हूँ। तो वो अपने मैजिक से, अपने फिंगर से, कभी अपने आईज से किसी भी चीज़ को मूव कर देता बिना टच किए हुए, तो ये एक मैजिक होता है। तो वो किंग ओथर धीरे धीरे बचपन से ही सीखता आ रहा था, अब वो अकेले में भी ट्राई करता रहता था और उसकी हॉबी भी बन चुकी थी, वो कभी भी किसी भी टाइम पर करता रहता था। फिर किंग ओथर तो कहीं ना कहीं एक मैजिशियन टाइप होता जा रहा है। और अब रही बात किंग यूथर की, तो किंग यूथर धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ने पे किंग यूथर की डेथ हो जाती है। ओके, तो आपने देखा कि किंग यूथर जो है वो देखिए इसमें इस तरीके से ही बताया गया, मैं आपको ऊपर ऊपर बता रही हूँ, पूरा डीपली अच्छे से हर एक कहानी बताने लगी तो हम जो हमारा फोर्थ ब्लॉक है वो हम नहीं समझ पाएंगे, जो कि अल्फा टेनिसन के थ्रू लिखा गया है, अल्फा लॉर्ड टेनिसन के थ्रू। तो इसलिए पहले हमें ले मोटर डी ऑथर जो कि थॉमस मेलोरी के थ्रू लिखा है ये भी समझना जरूरी है, उसके बाद ही हम अल्फा टेनिसन के थ्रू जो मोटर डी ऑथर लिखा है वो समझेंगे। और जल्दी जल्दी मैं इसलिए बता रही हूँ, सारा डीपली नहीं बता रही आप सभी को, बट आप सभी समझ गए होंगे आई होप। तो देखिए क्या होता है कि जो किंग ऑथर जो है वो धीरे धीरे क्या होता रहता है, मैजिशियन बनता रहता है, वो भी मैजिक सीखता रहता है धीरे धीरे। उसके बाद क्या होता है कि आगे आगे चलकर, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि राजा किंग यूथर जो है या राजा जो है हमारा, उसकी डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, अब तो वहाँ पे कोई शासक नहीं है, अब कोई भी किंग नहीं है जो कि राज्य को अच्छे से संभाले, स्टेट को, कंट्री को, यानी कि हर एक लोगों को अच्छे से लेके चले, सभी को, समाज को। तो फिर क्या होता है, एक सवाल उठता है बहुत ही बड़ा कि अब राजा कौन बनेगा, यानी कि ऐसा कौन सा मतलब हम ऐसे मतलब ऐसे पर्सन को बनाना चाहते हैं राजा, जो कि अच्छे से साम्राज्य को अच्छे से संभाल सके, सत्ता को, उस पद को, ठीक है, अच्छे से क्या करे, संभाल सके। तो ये अब राजा किसे बनाया जाए, किसे बनाया जाए, सवाल उठता है। फिर एक मीटिंग होती है, एक बहुत ही बड़ी मीटिंग होती है, उस मीटिंग में क्या होता है कि उस मीटिंग में एक तलवार होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि उसमें बोला जाता है कि अगर जिसने भी इस तलवार को, इस कैलेबर को, ठीक है, एक मैजिकल शॉट होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं एक तलवार होती है मैजिकल शॉट, तो उसको जिसने भी उठा लिया है, सवाल क्या बनता है कि अब राजा कौन बनेगा। तो फिर मीटिंग होती है, उस मीटिंग में एक तलवार रखा जाता है और एक बहुत ही मतलब वो जो मैजिकल शॉट होती है, मतलब एक जादुई तलवार होती है, कहीं ना कहीं मैजिकल शॉट, तो उसे जो भी उठा लेगा,
उसे क्या बना दिया जाएगा, इस उसको राजा बना दिया जाएगा। तो ये सवाल उठता है, ठीक है। तो फिर देखा जाता है, सभी को एक एक करके टेस्ट किया जाता है, तो सभी आते हैं, मतलब जितने भी गांव के लोग आते हैं सभी आके अपना अपनी पावर को दिखाते हैं। तो एक एक करके सभी आके उठाते उस तलवार को, बट कोई नहीं उठा पाता। जैसे कि मैं इसके अगर इसके लिए एक एग्जाम्पल दूँ आप सभी को, तो देखिए एक रामायण का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। आपने देखा होगा रामायण में भी ऐसे होता है कि जो सीता से शादी करने के लिए उस धनुष को उठाना होता है, तो जो श्री सभी ट्राई करते हैं धीरे धीरे आके, लेकिन किसी से नहीं मूव होता, कोई हिला भी नहीं पाता। फिर जैसे श्री राम आते हैं तो वो उस तलवार बोल रही उस धनुष को उठा के तोड़ देते हैं, ठीक है, उठा के। तो वो कौन होते हैं, वो वैसा ही जस्ट इसमें होता है, इस स्टोरी में, कि एक तलवार होता है, मैजिकल शॉट होता है, तो उसको उठाया जाता है, तो जो भी इसे उठा लेगा उसे राजा बना दिया जाएगा, ये होता है। फिर सभी आके धीरे धीरे ट्राई करते हैं, गांव के सभी आते हैं और उसे तलवार को हिलाने की कोशिश करते हैं, बट किसी में भी वो पावर नहीं होती जो कि उसे हिला पाए। फिर क्या होता है, लास्ट में किंग ऑथर आता है, और किंग ऑथर इस टाइम पर काफ़ी बड़ा हो चुका है, ठीक है, काफ़ी टाइम बीतने के बाद की बात है ये। तो क्या होता है कि किंग ऑथर आता है, फिर किंग ऑथर उसको उठा भी लेता है, ठीक है, और उठा के मतलब स्विम भी करता है तो इधर उधर, तो किंग ऑथर उठा लिया। उसके बाद क्या होता है, वो जो तलवार है उठाने की वजह से किंग ऑथर को वहाँ का राजा बना दिया जाता है। और जैसे किंग ऑथर जब राजा बन जाता है, देखिए मैं एक नाम बता दूँ आपको, जिस राजा की बात की गई थी जिससे किंग यूथर की लड़ाई चल रही थी, ओके, जिसका रूप ले लिया था किंग यूथर ने, तो उस राजे का नाम मैं आपको बता दूँ, उसका नाम था डीप ऑफ क्यूलोन, ठीक है, ये नाम भी याद रखना, डीप ऑफ क्यूलोन नाम था उसका, डीप क्यूलोन, ये भी नाम है जो कि जिस राजा से फाइट चल रही थी किंग यूथर की, ओके, ये नेम याद रखना, ओके। तो जैसे ही किंग ऑथर राजा बन जाता है आगे चलकर, जब उस तलवार को उठाता है और फिर राजा बन जाता है, फिर वो अपना अपना शासन, अपना हर चीज़ अच्छे से चलाता है, और उसका जो उसकी जो शासन व्यवस्था है, यानी कि एक उसकी मतलब उसका जो एक उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस तरीके से निभाया कि सारे उससे मतलब एक होता ना इम्प्रेस हो गए, और कहने की सभी को अच्छा लगा, बिकॉज उसने एक इक्वालिटी सबके सामने एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सब चीज़ को ख़त्म करते हुए, सब चीज़ को ख़त्म करते हुए एक इक्वालिटी समाज में, ठीक है, लेके आया, एक इक्वालिटी, एक समानता लेके आया, ठीक है। और देखा जाए तो समानता, सभी को सब समान रहे, सब स्वतंत्र रहे, ठीक है, ये सब चीज़ फ्रीडम, इक्वालिटी, ये सब चीज़ लेके आया, और सभी को मतलब सेम मानता था, अच्छा मानता था, और मतलब कहीं ना कहीं एक अच्छे राजा का फ़र्ज निभाया, किसने, किंग ऑथर ने। तो किंग ऑथर का जो राजा बनने के बाद सभी को अच्छा लगा, और सभी बहुत खुश भी हुए कि हमारे जो मतलब हमारे जो इसमें गाँव में या फिर हमारे देश में सही राजा बने, ठीक है। तो ऐसा होता है, फिर आगे चलकर क्या होता है, जो किंग ऑथर है वो सोचता है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, तो शादी का सोचता है, और फिर वो एक गुलीवर नाम की एक लड़की होती है, तो उससे सोचता है कि इसे शादी कर लूँ मैं, बट जो मर्लिन होती है वो मना करती है। मर्लिन कहती है कि अगर तुम इससे शादी कर लोगे तो तुम्हें आगे बहुत पछताना होगा, ये होगा वो होगा, मर्लिन बहुत समझाती है, मना करती है शादी करने के लिए, बिकॉज आपको पता है मर्लिन एक जादूगरनी है, कहने के विजार्ड है, ठीक है, मैजिशियन, तो उसे ना पहले से ही फील हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है। तो मर्लिन काफ़ी मना करती है किंग ऑथर को, कि बिकॉज वो अपने बेटे की तरह भी मानती है, तो मना करती है कि ऐसा मत करो, तुम शादी करोगे तो गुलीवर से तो आगे बहुत पछताओगे, मतलब प्रॉब्लम होगी। बट जो किंग ऑथर होता समझता नहीं है, किंग ऑथर बिल्कुल नहीं मतलब बिल्कुल भी वो नहीं करता कि हाँ, बिल्कुल मानता ही नहीं बात को, और क्या करता है, वो शादी कर लेता है। अब वो इसलिए भी नहीं मानता भी कुछ, वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, एक राजा बन चुका है, अब वो कब तक मर्लिन की हर बातें मानेगा, तो इसलिए वो क्या करता है, वो शादी कर लेता है। तो जैसे वो शादी करता है, तो जो गुलीवर से शादी करता है ना, तो गुलीवर को दहेज में एक टेबल मिलता है, राउंड टेबल, जिसका नाम क्या है, राउंड टेबल। देखिए राउंड टेबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इस नोवल में, इसमें याद रखना, फोर्थ ब्लॉक में बहुत इंपॉर्टेंट है राउंड टेबल, राउंड टेबल के ऊपर भी आपका आ सकता है क्वेश्चंस। अच्छा देखिए राउंड टेबल वर्ड, राउंड टेबल है क्या, ये मिलता है एक दहेज में गुलीवर की तरफ से किंग ऑथर को। अभी जो राउंड टेबल होता है, एक बहुत बड़ा टेबल होता है, बहुत ही बड़ा, लाइक डाइनिंग टेबल बोल सकते हो, वैसा ही होता है। तो क्या होता है, इस टेबल का यूज राजा ने किस लिए किया, राजा ने अपने समाज में और इक्वालिटी लाने के लिए इसका यूज किया। इस राउंड टेबल पे राजा अपने सारे नाइट को बैठा के, यानी कि सारे सैनिक को बैठा के एक साथ डिनर करवाता था, यानी कि जब भी उनके जितने भी सैनिक थे, जितने भी नाइट थे, सभी एक साथ खाना खाते, तो वो अलग अलग नहीं खाते, वो उस टेबल पर ही बैठ के खाते। तो वो राउंड टेबल बहुत ही यूजफुल हुआ राजा के लिए, और राजा ने उसका बहुत ही अच्छा मतलब उसका यूज किया राउंड टेबल का। तो उस राउंड टेबल का यूज राजा करता था सभी को बैठा के, कहने की खिलाने के लिए, ताकि सभी क्या करें कि मतलब
एक साथ बैठ के खाना खाए जिससे इक्वालिटी दिखे। ओके तो ये चीज़ देखने के लिए, तो उस राउंड टेबल पे सब एक साथ खाते हैं ताकि कोई भी मतलब एक सैनिक ना दिखे बल्कि सब फैमिली के मेंबर दिखे, सब अपनापन यहाँ पे फील हो ना कि एक परायापन। तो फिर क्या होता है कि ये राउंड टेबल पे बैठ के सभी सैनिक एक साथ खाना खाते हैं। और फिर आगे चलकर क्या होता है कि जो गुलीवर होती है, ठीक है, गुलीवर जो किंग ऑथर की वाइफ होती है, तो उसका अफेयर चलने लगता है एक आपको मैंने बताया था सर लॉन्चेलॉट। सर लॉन्चेलॉट कौन था? सर लॉन्चेलॉट जो था ये एक वफादार सैनिक था जो कि ऑथर जो है ना किंग ऑथर ये बहुत ज़्यादा ही मानता था, मतलब किंग ऑथर काफ़ी ही मानता था, बहुत ज़्यादा लॉन्चेलॉट को बहुत ज़्यादा ही मानता था, मतलब एक अच्छा सबसे ज़्यादा वफादार सैनिक में ये था, तो सबसे ज़्यादा वफादार था और बहुत ज़्यादा ही। तो इसने क्या किया, इसने ऑथर के साथ, किंग ऑथर के साथ ही मतलब एक गद्दारी की, एक धोखेबाजी की, वो गुलीवर जो है किंग ऑथर की वाइफ, तो उसके साथ अपना अफेयर चलाया। और ले जैसे ही ये बात पता चली किसको, किंग ऑथर को, तो किंग ऑथर को काफ़ी ही हर्ट फील हुआ, बिकॉज एक तो ये सबसे पहली बात कि उसकी बीवी का अफेयर किसी के साथ चल रही है, दूसरी बात कि उसका विश्वास टूटा लॉन्चेलॉट के ऊपर से, बिकॉज वो लॉन्चेलॉट को बहुत ज़्यादा ही मानता था और बहुत ही वफादार मानता था सैनिक, ठीक है, वो बहुत ही वफादार सैनिक मानता था। बट उसने क्या किया कि जो किंग लॉन्चेलॉट है, सर लॉन्चेलॉट, उसने ये गद्दारी की, तो पता तो था इनको, ठीक है, यानी किंग ऑथर को पता था, बट किंग ऑथर जो था ना वो शांत था, वो शांत इसलिए था, वो कुछ कह नहीं रहा था, बिकॉज वो अपनी एक प्रतिष्ठा, अपने सम्मान को एक बनाए रखना चाहता था। अगर एक होता है ना कि हमारी फैमिली में कोई गलत कर रहा है तो हम जितना उसे बोलते हैं तो वो फिर उतना बहस होगी, फिर ये होगा वो होगा, पड़ोस में पता चलेगा, ऐसा होता है ना हमारे रियल लाइफ में भी। अभी आप देखते होंगे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हमारे घर में कुछ हो रहा है तो पड़ोस में खबर चली आती है, तो जो ये था ना किंग ऑथर, वो यही नहीं चाहता था कि हमारे मेरे घर की इज्जत बाहर में जाए, तो इसलिए वो अपनी वाइफ को कुछ नहीं कहता, लेकिन उसे पहले से ही पता था, बट वो सोच रहा कि धीरे धीरे संभल जाएगी। लेकिन क्या हुआ कि ये आगे चलकर और ही बड़ी होती गई प्रॉब्लम, तो आप देख सकते हो इतनी प्रॉब्लम हुई, इस वजह से ही जो मर्लिन है उसने मना किया था कि शादी मत करो गुलीवर के साथ, बिकॉज आगे चल के प्रॉब्लम होने वाली है, बिकॉज उसे पहले ही फील हो गया था। ओके तो फिर क्या होता है कि जो गुलीवर है और ये जो लॉन्चेलॉट है, इन दोनों में काफ़ी अफेयर चलता रहता है, ये होता है वो होता है, बट जो किंग ऑथर है तो कुछ कहता नहीं है। फिर ये खबर किसको जाती है, एक किंग ऑथर का बेटा होता है मॉर्डर्ड, ओके मॉर्डर्ड नाम का एक किंग ऑथर का बेटा होता है मॉर्डर्ड, तो उसको ये खबर जाती है। तो जैसे उसे पता चलता है कि मेरी माँ का अफेयर मतलब एक लॉन्चेलॉट जो सैनिक है उसके साथ चल रहा है, तो उसे बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है। वो क्या करता है, वो अपने पिता को, अपने फादर को, मतलब राजा को, किंग ऑथर को धमकी देता है कि अगर आपने कोई एक्शन नहीं उठाया इन दोनों के लिए तो फिर मैं मतलब बहुत बुरा होगा, ऐसे बोलता है, धमकी देता है। तो जो उसका फादर होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, हमें अपनी प्रतिष्ठा, अपने सम्मान, अपने मान सम्मान को बनाए रखने के लिए हमें चुप रहना पड़ेगा, ये वो समझाता है अपने बेटे को। बट उसका बेटा कहता है कि अगर तुमने कोई खबर नहीं ली तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा और फिर उसे ही मार डालूंगा, मतलब अपनी माँ को भी मार डालेगा, अपने बाप को भी, क्योंकि वो कहता है कि ये गलत है और जो कि गलत है वो गलत है, चाहे उसमें मैं आपको ही मारूं, ऐसा बोलता है उसका बेटा। देखिए उसके बेटे का ऐसा बिहेवियर को देखते हुए इसमें बताया गया है कि जो किंग ऑथर का जो बेटा है ना मॉडर्ड, वो एक नजायज़, मतलब वो एक मेरा एक सही बेटा नहीं है, मतलब अगर सही होता तो अपने माँ बाप से इस तरीके से बात नहीं करता, बिकॉज अगर उसकी माँ गलत रास्ते पर चल रही है तो उसे क्या करना चाहिए था, उसे प्यार से बैठकर घर में समझाना चाहिए था, ना कि इस तरीके से धमकी दे के गुस्सा करना चाहिए था। कि मैं आप लोगों को ही बताऊँ कि इन फ्यूचर अगर घर में कोई प्रॉब्लम होती तो हमें आपस में मिलकर बात करना चाहिए, ना कि हमें धमकी देनी चाहिए एक दूसरे को। फिर क्या होता है कि ये तो धमकी देता है अपने बाप को कि अगर ऐसा तुमने कोई एक्शन नहीं लिया तो मैं ही कुछ एक्शन लूँगा, फिर मैं उसे भी मारूँगा, फिर आपको भी मार डालूँगा। फिर क्या होता है कि किंग ऑथर जो होता है वो टेंशन में पड़ जाता है, उसे मतलब उसे डर नहीं होता अपने बेटे का, बस बात ये होती है कि वो अपना शुरू से लेकर अब तक उसने अपना क्या किया है, समाज में अपना एक सही प्रदर्शन, सही रूप दिखाया है, एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई और अपने एक अच्छा राजा बन के रहा है और अपनी मान सम्मान को भी बनाए रखा है, प्रतिष्ठा को बनाए रखा है समाज में, तो वो यही चाहता है शुरू से। तो उसने अपने बेटे के लिए भी, उसने क्या किया, उसने अपने मन में सोचा कि मुझे कोई एक्शन लेना पड़ेगा, तो वो एक प्लान बनाता है कि जो गुलीवर है, गुलीवर अगर नहीं समझेगी, नहीं सुधरेगी, तो वो क्या करेगा, वो गुलीवर को मतलब जान से ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो गुलीवर को मारने की प्लानिंग करता है कौन, किंग ऑथर। तो किंग ऑथर अपने बेटे को ही बताते हैं प्लानिंग, तो उसका बेटा भी एग्री होता है कि ठीक है, अगर माँ नहीं मान रही तो मतलब उसको मारने की प्लानिंग बनती है कि अगर वो चली गई दुनिया से तो ना ही कुछ होगा, ना ही आगे हमारी इज्जत बाहर जाएगी। तो जैसे ही जो किंग ऑथर जो है और साथ के साथ जो उसका बेटा है मॉर्डर्ड, ये आपस में प्लानिंग करते हैं, बाकी सब मिल गए, तो ये खबर किसको जाती है, ये खबर जाती है
और लॉन्चीलॉट को, तो लॉन्चीलॉट को जैसी खबर जाती है तो लॉन्चीलॉट भाग कर आता है और गुलीवर को उठा के भाग जाता है, ठीक है, गुलीवर को लेके भाग जाता है। तो जैसे ही पता चलता है किंग ऑर्थर को कि हाँ गुलीवर को लेके लॉन्चीलॉट भाग गया है, तो ये दोनों और परेशान हो जाते हैं, मॉर्ड और किंग ऑर्थर। तो इन दोनों में आपस में बहस होने लगती है, काफ़ी लड़ाई होने लगती है। बट फिर क्या होता है कि किंग ऑर्थर तो काफ़ी टेंशन में होते हैं कि आखिर क्यों ले गए, क्या हो गया, कहाँ ले गए, तो काफ़ी पता करता है पर पता नहीं चलता। फिर क्या होता है, फिर कुछ टाइम बाद, 2-3 दिन बीतने के बाद, फिर जो किंग जो वो होता है लॉन्चीलॉट, वो वापस गुलीवर को ला के रख देता है, ओके, वहीं पे महल में ला के रखता है। और मतलब वो शर्मिंदा हो जाता है अपनी बातों से, उसे सर रियलाइज हो जाता है कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ गलत है, ये है वो है। तो वो वापस महल में ला के रखता है गुलीवर को और वो माफ़ी मांगता है सबसे। बट जो किंग ऑर्थर होता है काफ़ी गुस्से में होता है, तो वो काफ़ी मतलब इनमें बहस होती है, लड़ाई होती है। वो किंग ऑर्थर जो है वो लॉन्चीलॉट को मारता पीटता है, फिर उसे उसके पद से निकाल देता है, यानी कि उसे उसकी ड्यूटी से निकाल देता है और हमेशा के लिए। फिर लड़ाई वड़ाई होती है, फिर वो निकाल देता है, फिर ये हो जाता है। फिर क्या होता है, जो किंग ऑर्थर अपनी बीवी को माफ़ कर देता है, अपनी वाइफ को माफ़ कर देता है, कि बिकॉज उसकी वाइफ माफ़ी मांग लेती है। तो ये फिर क्या होता है, धीरे धीरे आप माफ़ करके वो आगे बढ़ता है। बट जो मॉर्ड है उसे गुस्सा आता है, कहता है ये गलत हुआ है, माँ ने जो भी किया गलत है, ये सब गलत हो रहा है। तो वो उसकी और उसकी उसके फादर की फ़ाइट होती है, फिर ये फ़ाइट बहुत बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है। इसमें ज़्यादातर लड़ाई को ही दिखाया गया है, तो काफ़ी बड़ी फ़ाइट होती है। इसमें ना एंट्री होती है एक सर गुएन नाम का एक पर्सन है, जो कि भतीजा है सर उसका, किंग ऑथर का भतीजा है, ओके, किंग ऑथर का भतीजा है सर गुएन। तो सर गुएन का थोड़ा सा सीन दिखाया गया इसमें, कि जो सर गुएन है ना, वो फ़ायदा उठाता है एक फादर और एक सन में लड़ाई लगवाने का। बिकॉज एक बाप बेटे में यहाँ पर लड़ाई हो रही है, तो वो क्या करता है कि दोनों की तरफ से दोनों को भड़काता है, और ताकि इनमें और लड़ाई बढ़े, तो वो इसका काम करता है। और वो भी एक राज करना चाहता है, सब चीज़ को अपने नाम करना चाहता है सर गुएन, इस वजह से वो भी लड़ाई और लगवाता है, ओके। तो फिर क्या होता है कि ये लड़ाई लगवाता है, फिर एक फ़ाइट होती रहती है, फिर अपने आप ही आगे चलकर सर गुएन की डेथ हो जाती है। तो सडनली सर गुएन की डेथ हो जाती है, तो सर गुएन किंग ऑथर के सपने में आता है कि तुम मॉर्ड के साथ मत लड़ो, क्योंकि मॉर्ड बहुत मतलब बुरा है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, तुम्हें कुछ भी कर सकता है, तो तुम उससे मत लड़ो, क्योंकि मुझे पता है उसने बहुत सारी प्लानिंग कर रखी है। ये कौन बताता है, ये बोलता है सर गुएन सपने में बोलता है किंग ऑथर को कि उसने बहुत सारी प्लानिंग कर रखी है, आप उसके साथ मत लड़ो। बट जो सर गुएन है ना, सॉरी किंग ऑथर है, वो सर गुएन की बातों को इग्नोर करके सपना समझ के छोड़ देता है, फिर वो आगे बढ़। तो ये क्या होता है, फिर आगे चलकर फिर लड़ाई होती है मर्डर की और किंग ऑथर की, लड़ाई बहुत आगे बढ़ते 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 दोनों की आपस में डेथ हो जाती है, ठीक है, आगे चल के। तो ये तो हमारा हो गया ले मोटरडी ऑथर, ठीक है, ले मोटरडी ऑथर की स्टोरी थी। ले मोटरडी ऑथर में आपने क्या देखा, मोस्टली इसमें आपने फाइट को ही देखा, इसमें ज़्यादातर लड़ाई ही लड़ाई आपको देखने को मिली है, ओके। तो ये जो ले मोटरडी ऑथर है, टोटल 21 बुक्स लिखी गई थी, 21 बुक्स में से 8 बुक्स के बारे में, सॉरी 8 बुक्स के बारे में, और टोटल 8 बुकों में सिर्फ लास्ट मूवमेंट को दिखाया गया, यानी कि लास्ट के मूवमेंट को बताया गया है किसमें, डी मोटरडी ऑथर में, ओके। तो चलिए अब हम देखते हैं फोर्थ ब्लॉक के डी मोटरडी ऑथर को, जो कि बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा, ओनली 10-15 मिनट में, ओके। तो चलिए अब तक जो हमने समझा वो ले मोटरडी ऑथर समझा, इसको हमने समझ लिया, तो समझ लो आगे वाले भी हम बहुत ईजिली समझ लेंगे अच्छे से। तो चलिए गाइस हम देखते हैं फोर्थ ब्लॉक यानी कि मोटरडी ऑथर को। तो जो मोटरडी ऑथर है, इसकी स्टोरी होती है लास्ट जो फाइट वाला जो देखा है मैंने आपको बताया, ले मोटरडी ऑथर का लास्ट वाला फाइट वाला टाइम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि लास्ट में फाइट चलता रहता है, बहुत ज़्यादा ही फाइट होती है, लड़ाई होती है। तो उसमें क्या होता है कि राजा को ना, इसमें राजा की डेथ होती है, ठीक है। तो राजा घायल हो जाते हैं, यानी कि राजा को मार दिया जाता है। तो फिर राजा को चाकू लगने के वजह से राजा बहुत ज़्यादा बेहोश हो जाते हैं, और उसके सारे नाइट मर चुके होते हैं, यानी कि जितने भी सैनिक होते हैं सारे मर चुके होते हैं। अब राजा बिल्कुल ही अकेला हो जाता है। तो वो क्या होता है, जैसे वो पड़ा होता है घाव में जख्मी हुआ, तो एक सैनिक होता है जो कि बच जाता है, सिर्फ एक सैनिक, यानी कि एक ही नाइट ऐसा होता है जो बच गया होता है, बाकी सारे नाइट मर चुके होते हैं राजा के। तो राजा सोचता है कि अब तो मेरा सब नष्ट हो गया है, सब ये हो गया, और मुझे भी लग गया, मैं भी किसी भी टाइम पे मैं मर सकता हूँ, वो ये सोचता है। तो उसी टाइम पे क्या होता है, उसका वो नाइट आ जाता है, जिसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है सर बेडीवियर, ओके। सर बेडीवियर नाम के एक सैनिक होते हैं, जो कि एक नाइट होते हैं, ठीक है, नाइट भी बोल सकते हो, KNIT, तो नाइट होता है, जिसे सैनिक को ही बोला गया नाइट यहाँ पे। तो वो होते हैं, वो आते हैं, वो अपने राजा को अपने मतलब उस पर रखता है, राजा को मतलब अपने गोद में रख लेता है।
राजा को अपने गोद में, देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, रख लेता है। और रख के वो बोलता है कि महाराज आपको हुआ क्या, क्या हुआ आपको, मतलब वो पूछता है। तो वो बोलता है कि मतलब अब तो मेरा टाइम वो हो गया है, मतलब मैं लास्ट मोड़ पे हूँ, मैं कभी भी किसी भी क्षण मतलब जा सकता हूँ ऊपर। तो फिर वो बोलता है कि अब तुम, फिर वो पुरानी बातें करने लगता है राजा। जो राजा होता है वो पुरानी बातें करता है कि मैंने आज तक किस किस का भला किया, क्या क्या आज तक मैंने अपने साम्राज्य को किस तरीके से आगे बढ़ाया, क्या मतलब अपनी सारी पुरानी बातें को याद करने लगता है। और उस बेडी बियर से, जो सर बेडी बियर होता है उससे शेयर करता है। तो सर बेडी बियर भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, आप ठीक हो जाओगे, आप ऐसा मत सोचो, ऐसा बोलता है सर बेडी बियर राजा को। बट राजा कहता है कि नहीं, आप कुछ नहीं हो सकता, मेरा लास्ट मोमेंट है, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे। ये बोलता है किंग ओथर। तो किंग ओथर बोलता है कि सर बेडी बियर को, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे। तो सर बेडी बियर बोलता है हाँ, मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा, आप मुझे बताओ क्या करना है। तो जो सर बेडी बियर होता है, जो सॉरी किंग ओथर होता है, किंग ओथर के पास एक तलवार होती है मैजिकल शॉट, ओके, जो कि आपको पता है मैजिकल शॉट ही एक ऐसी तलवार है जो कि जिसके वजह से ये एक राजा बना, ठीक है। तो मैजिकल शॉट होता है इसके पास, तलवार होती है। तो ये बोलता है कि इस मैजिकल शॉट को तो मेरे लिए एक झील है, उसने झील बताया, उस झील में जाके डाल दो, ठीक है, एक तेज़ी से तेज से फेंक के उस झील में डाल दो, बस इतना काम मेरा कर दो। तो ये बोलता है कि ठीक है महाराज, मैं कर तो दूंगा, बट मैं आपको अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपके काम को मना भी नहीं कर सकता, तो बस आप अपना ध्यान रखना, मैं बहुत जल्दी गया और आया, ओके। ये बोलता है सर बेडी बियर। तो सर बेडी बियर बोल के चला जाता है। तो जैसे ही वो जाता है, अब सारे नाइट मर चुके हैं, वो अकेला पड़ा रहता है, वो चल भी नहीं पाता ढंग से, मतलब ऐसा नहीं कि उसे चोट लगी थी, बस वो एक अकेलापन फील करता है। ऐसा होता है ना, जब हम दुख में होते हैं ना, तो हम ना चल पाते हैं, ना दौड़ पाते हैं, ना ही कुछ काम कर पाते। तो वही चीज़, वही कंडीशन होती है सर बेडी बियर की। तो सर बेडी बियर क्या होता है, बिल्कुल अकेला पड़ गया होता है, हार चुका होता है। तो वो जैसे जिस रास्ते से जाता है, वो रास्ता उसे बहुत ही मतलब एक नेगेटिव रास्ता लगता है, मतलब कहीं ना कहीं एक इन्वायरमेंट ही पूरा नेगेटिव लगता है, एक बुरा बुरा बहुत इन्वायरमेंट। आप देखोगे कभी आपका ना, कभी कभी क्या होता है कि हमें मौसम ही बहुत बेकार लगता है। अगर कभी आप क्या होता है कि जैसे कि आप को आपके किसी से बिछड़े हो, या बिछड़ने पे, या फिर कोई बुरा, कभी कुछ बुरा होता है, तो फिर क्या होता है आपका हर दिन बुरा लगता है, पूरा जो मौसम है मौसम ही बुरा। तो वैसे ही हवा बुरी, आवाज़ बुरी, हर एक चीज़ बुरी। तो वही चीज़ होता है सर बेडी बियर के साथ। सर बेडी बियर जैसे ही वो उस रास्ते से जाता है, उसे हवा, हवा की आवाज़, पर्वतें, पठार, हर चीज़ होती है वहाँ पे, नदी, झील, तो सबकी आवाज़ें कान में गूंजती है, बट वो उसे बहुत बुरा सा फील होता है। उसे लगता है कि एक बुरा मोमेंट, सबसे बुरा मोमेंट लाइफ का लगता है। और वो आगे बढ़ता जाता है, जैसे वो झील के पास पहुँचता है और उस तलवार को निकालता है, तो उस तलवार को निकालते ही वो जो सर बेडी बियर होता है वो अट्रैक्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा। बिकॉज वो जो तलवार होती है ना मैजिकल शॉट, वो एक डायमंड से डेकोरेट होती है, ठीक है, डायमंड से सजी हुई तलवार होती है। और उसे देखते ही एक रोशनी जैसे निकलती है, एक अलग ही चमक निकलती है, जो कि बेडी बियर की आँखों को ना कुछ टाइम के लिए तो ब्लाइंड ही कर देती है, मतलब इतनी रोशनी कि बेडी बियर की आँखों से कुछ दिख ही नहीं रहा। फिर जैसे जैसे उस तलवार को उसने देखा धीरे धीरे, तो एक तलवार को देख के इतना अट्रैक्ट हो गया कि वो सोचने लगा कि आखिर इस तलवार को क्यों फेंका जाए झील में, इतनी अच्छी तलवार को कौन फेंकेगा भला झील में। तो वो ऐसे सोचता है, कहता है बट राजा ने बोला है, उनकी आज्ञा का पालन तो करना पड़ेगा। तो उस तलवार को छुपा देता है, सोचता है कि मैं राजा को बोल दूंगा कि मैंने उसे फेंक दी झील में, क्योंकि मैं राजा को मना भी नहीं कर सकता। तो उस तलवार को छुपा देता है कहीं पर, और वो दोबारा अपने राजा के पास जाता है। और जैसे ही वो अपने राजा के पास जाता है, तो राजा पूछते हैं कि बताओ तुमने वहाँ पर तलवार फेंक दी, तो हाँ झील में डाल दी, तो हाँ तुमने क्या देखा। ये कौन पूछता है, राजा, किंग ओथर पूछता है। तो जो बेडी बियर होता है सर बेडी बियर, वो कहता है हाँ मैंने फेंकी, तो मैंने देखा कि एक समुद्र की लहरें ऊपर की तरफ आ गई और वो तलवार डूब गई, वो ऐसे बोलता है। तो जो किंग ओथर होता है वो समझ जाता है कि यानी कि इसने तलवार को नहीं फेंकी, क्योंकि तलवार को फेंकने के बाद एक अलग ही मतलब मूवमेंट देखने को मिलेगा वहाँ पे। तो वो मूवमेंट क्या होगा मैं आपको बता दूं, कि जैसे ही वो तलवार फेंकेगा तो उसे एक लेडी का हाथ निकला हुआ दिखाई देगा, और वो उस तलवार को उस नदी में, झील में लेके चली जाएगी। तो ये पता था किंग ओथर को पहले से ही, लेकिन जो बेडी बियर था, बेडी बियर ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो किंग ओथर समझ गया इसने झूठ बोला है। तो किंग ओथर ने कहा कि मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, तुम जाके अपने काम को अंजाम दे के आओ, मुझे पता है तुमने उस तलवार को नहीं डाली है। और मैं तो फिर वो मतलब बहुत जख्मी होता है, कहता है मैं किसी भी क्षण वो हो सकता हूँ, मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ, तुम जाके उस तलवार को झील में डाल के आओ, वो बहुत रिक्वेस्ट करता है। फिर क्या होता है कि बेडी बियर वापस जाता है, और वापस जाता है वो एक एक पत्थर को गिनता हुआ जाता है, क्योंकि उसे सारा मूवमेंट ही बेकार लगता है, उसे पत्थर बेकार, हर चीज़ बेकार, एक रास्ता चलना उसके लिए बहुत टफ होता है, कठिन होता है,
ठीक है, वो रास्ता पार करके धीरे धीरे समुद्र, झील, हर तरीके से हर की आवाज़ सुन के, सबकी आवाज़ सुन के वो जाता है। जैसे वो झील के पास पहुंचता है उस तलवार को निकालता है, फिर उसका मन रुक जाता है। वो कहता है नहीं, आखिर ये बहुत गलत है, इतनी मतलब एक एक्सपेंसिव, इतनी महंगी, ऐसी डायमंड वाली तलवार को कौन भला फेंकेगा। तो वो फिर उसे रोक लेता है, वो तलवार उससे अट्रैक्ट हो जाता है, वो उस तलवार से, अब वो फिर उसे छुपाता है और दोबारा जाता है राजा के पास और कहता है कि महाराज मैंने फेंक दी। तो वो राजा पूछता है अच्छा तुमने फेंक दी, बताओ क्या देखा। तो वो घबराया वो होता है जो बेड़ी पर होता है, बहुत घबराया वो होता है और वो कहता है कि मैंने मतलब वही चीज़ बताता है दोबारा वही कहानी। फिर बेड़ी पर किंग ओथर समझ जाता है। तो किंग ओथर कहता है कि जो बेडी बियर है उसको बहुत ज़्यादा सुनाता है और उसकी एक ह्यूमेनिटी पे, एक ईमानदारी पे एक बोलता है कि तुम एक काइंड पर्सन नहीं हो, तुम एक ऐसे पर्सन हो, वैसे पर्सन हो, मैंने सोचा था तुम एक काइंड पर्सन हो, एक ऑनेस्ट पर्सन हो, मतलब तुम ऐसा करोगे, तुम वैसा करोगे, अपनी राजा की एक बात नहीं मान सकते, बहुत सुनाता है किंग ओथर। और कहता है कि मैं जा रहा हूँ, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते तुम, ऐसे वैसे वो बहुत समझाता है। और वो मतलब कहीं ना कहीं एक सांस को रोक कर बोलता है कि ऐसे ऐसे करके, मतलब आप समझ सकते हो कि जब कोई आखिरी मोमेंट पे रहता है और आखिरी सांस लेता है और आखिरी टाइम पे बोलता है तो उसका क्या रिएक्शन होगा। तो क्या होता है कि जो किंग ऑथर होता है वो उससे रिक्वेस्ट करता है और अगेन बोलता है कि अगर मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रहा हूँ, बिल्कुल लास्ट चांस, अगर इस बार तुम अपने काम को अंजाम दे के आ जाओगे तो आ जाओगे, मैं तुम्हें आखिरी देता हूँ, तुम जाओ और बेडी बियर जल्दी जाओ, अब अपने राजा की आज्ञा मांगो, मानो और एक अच्छे सैनिक होने का फ़र्ज निभाओ। तो फिर क्या होता है, बेडी बियर दोबारा जाता है उस तलवार के उस झील के पास, और वो झील के पास जाता है, वो झील पर जाता है, झील के पास जाके वो क्या करता है, उस तलवार को निकालने के टाइम पे अपनी आंखें बंद कर लेता है और आंखें बंद करके उस तलवार को निकाल के जैसे ही फेंकता है उस तलवार के उस झील के अंदर से एक हाथ निकलता है और उस तलवार को लेके पकड़ लेती है। ठीक है, एक लेडी का हाथ होता है वो पकड़ लेती है और आगे पीछे स्विंग करती है थोड़ा बहुत और फिर करके वो उस झील में चली आती है। तो ये चीज़ देख के, ये नज़ारा देख के जो बेडी बियर होता है वो शॉक्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही वो चौंक जाता है कि हाँ मतलब ये क्या मूवमेंट है, कैसे हाथ आया और किस तरीके से मतलब उस झील के अंदर से हाथ आके उस जो मतलब एक तलवार होती है बहुत ही मतलब डायमंड की काफ़ी एक्सपेंसिव तलवार, तो उस तलवार को लेके चला जाता है, इस कैलिबर बोल सकते हैं इसे, तो इस कैलिबर को लेके वो चला जाता है, तो वो चली जाती है। तो वापस आता है राजा के पास, किंग ओथर के पास आता है वो सैनिक और कहता है कि मैंने उस तलवार को डाल दी झील में। और फिर राजा पूछता है कि वहाँ पे तुमने क्या देखा, तो सारी कहानी बता देता है कि मैंने वहाँ पे देखा है एक लेडी का हाथ आया, उसने उस तलवार को ली और दो तीन बार आगे दो तीन बार पीछे स्विंग किया और वो चली गई झील में। तो फिर राजा समझ जाता है कि हाँ, अब वो वैसे भी राजा पहले ही समझ जाता है उसकी आँखों को देख कर ही कि इस बार इसने काम को अंजाम दे दिया है, क्योंकि उसकी आँखों में एक अलग ही चमक होती है। फिर क्या होता है कि राजा कहता है कि देखो बेडी बियर, मैं किसी भी क्षण मतलब मेरी मृत्यु हो सकती है, तो मुझे उस झील के पास ले चलो, बस आखिरी ख्वाहिश मुझे उस झील के पास ले चलो। तो वो कहता है ठीक है, वो कहता है ठीक है, लेकिन आप ऐसा मत बोलो, आप ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, वो ऐसा बोलता है। लेकिन वो राजा बोलता है मुझे ले चलो। फिर जो बेडी बियर होता है वो अपने कंधे पे उस राजा को उठाता है, अब वो मतलब एक हैंडल करने की कोशिश करता है उठाने की और उसे ले जाता है उस झील की तरफ, बट वो ज़्यादातर उसे मतलब उसके उसकी मतलब वेट को अच्छे से संभाल नहीं पाता, राजा के वेट को, बिकॉज जो राजा है उसकी सांसें काफ़ी तेज तेज चलती है और वो काफ़ी मतलब दिल धड़कता है क्योंकि वो आखिरी टाइम उसका चलता है। तो ये काफ़ी उठा के मतलब बहुत मेहनत से उठा के ले जाने की कोशिश करता है बेडी बियर, बट बेडी बियर ले जा नहीं सकता, फिर वो मतलब ले जा नहीं पाता, फिर वो आगे चलकर किसी की हेल्प लेता है। ठीक है, आगे चलकर किसी की हेल्प लेके मतलब बोलता है कि लोगों की मतलब झील तक मुझे ले जाने में हेल्प करो। तो सभी क्या करते हैं कि जो किंग ओथर है उसको उठा के उस झील तक ले जाते हैं। देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर में कि सभी कोशिश कर रहे हैं, सब एक साथ उठा रहे हैं, मतलब कुछ लोगों से वो हेल्प मांगता है बेडी बियर कि आप राजा को उठा के झील तक ले जाओ। तो सब उठा के ले जाने की कोशिश करता है, जैसे ही राजा झील तक जाता है और सब उसे मतलब बेडी बियर को छोड़ देता है और किंग को छोड़ देते हैं, मतलब किंग को वहाँ तक झील तक पहुँचा के सभी चले आते हैं, जो भी मतलब जिससे भी हेल्प मांगते हैं, जिन भी पर्सन से बेडी बियर हेल्प मांगते हैं। तो बेडी बियर और राजा एक साथ होते हैं, फिर बेडी बियर राजा को अपने पास रखता है, वो बोलता है कि महाराज मैं आपको झील के पास ले आया, अब बताओ क्या आज्ञा है, अब क्या करना है। बेडी बियर पूछता है कि क्या आज्ञा है, अब और बताइए और क्या करना है। तो किंग ओथर बोलता है कि सामने देखो वो नाव है, अब मैं उस नाव पे बैठ के मतलब वो जो नाव आ रही है उस नाव पे बैठकर मैं जा रहा हूँ, अब अपना ध्यान रखना, ऐसा बोलता है। और जैसे वो पीछे पलट के बेडी बियर देखता है, तो पीछे पलट के देखता है कि उस नाव में से एक गाने की आवाज़ आती है, मतलब एक बीड़ बजाते हुए कुछ लोग होते हैं, कुछ गाने गाते हुए लोग होते हैं, मतलब क्या होता है उसमें ना कुछ रानियाँ बैठी होती है, उस नाव पे कुछ रानियाँ होती बैठी हुई। तो एक बड़ी रानी होती है जो कि
राजा को देख के और मतलब गाना गाने लगती है, और बाकी वो बजाती है। तो ये जो गाने होते हैं ना, ये जो साउंड होता है, ये साउंड एक सेड साउंड होता है, मतलब ऐसा साउंड होता है जो किसी के डेथ के टाइम पे बजाई जाती है ना, वैसी वाली। तो ये सुनकर मतलब जो सर बेडी बियर है उसका दिल और मतलब वो हो जाता है कि वो उसे फील होने लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं राजा को मुझसे छीनने के लिए वो लोग आए हैं। तो ऐसे बोलता है, बस वो एक बड़ी वाली रानी जो होती है वो अपने पास खींचती है राजा को और अपने पास नाव में बैठा लेती है। ओके अब देखिए लास्ट मोमेंट है, ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट आने वाला है। तो राजा को अपने पास बैठाती है रानी, और वो जो रानी है अपने साथ ले जाने लगती है। और उसमें से जो बड़ी रानी होती है, आप देख सकते हो, ये बड़ी रानी जो होती है वो अपने अपने मतलब अपने गोद में राजा का सर रख के और वो उसे मतलब सहलाती है। और बाकी जितनी भी रानियां हैं, वो कुछ रानियां रोती रहती है, कुछ रानियां गाना गाती रहती है। तो इसमें क्या दिखाया गया कि ना कि उसकी डेथ के ऊपर गाना गाते हैं कि जो राजा है वो छोड़ के जा रहे हैं, तो इसलिए इसको गाना। तो फिर जो बेडी बियर होता है वो नदी के किनारे होता है, और वो जो नाव होती है वो नाव और दूर जाती जाती है। तो बेडी बियर चिल्ला कर बोलता है कि महाराज आप मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो, आखिर आप मतलब अब तक और हमारा अब हमारा कोई नाइट भी नहीं है, जो हमारा राउंड टेबल था वो भी नष्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पर राउंड टेबल किसे कहा गया है, एक आपको पता है एक राउंड टेबल एक टेबल है जिस पर बैठ कर सभी नाइट खाना खाते थे, बट जितने भी नाइट थे ना उस राउंड टेबल पर खाना खाते थे, तो सभी नाइट को राउंड टेबल कहा जाने लगा था। ओके तो यहाँ पर राउंड टेबल पर्सन को बोला जा रहा है। तो ये जो सर बेडी बियर होते हैं, सर बेडी बियर बोलते हैं कि हमारा राउंड टेबल भी अब नष्ट हो चुका है, अब हमारा कोई नहीं रहा, मैं अकेला क्या करूँगा, आप मुझे अकेला क्यों छोड़ के जा रहे हो। और बहुत इमोशनल हो जाता है, कहता है कि मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, और आप भी जा रहे हो, आप मुझे भी ले जाओ साथ में। तो फिर इस टाइम पर ना जो किंग ऑथर होता है वो एक लाइन बोलता है, वो कहता है कि आखिर हर किसी को मतलब जाना ही पड़ता है, हर एक के जीवन में ना एक बदलाव ज़रूरी है। ये जो किंग ऑथर होता है वो बोलता है कि भाई हर एक के जीवन में एक बदलाव ज़रूरी है, अगर कोई चीज़ हमारे पास लंबे समय तक होती है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो घट जाती है और ख़त्म हो जाती है। तो क्या इसलिए जीवन में हर एक के जीवन में एक बदलाव ज़रूरी है, तो हर एक इंसान आया है तो उसे जाना पड़ेगा, और जो अकेले आए हो तो अकेले रहना ही पड़ेगा। तो वो इतना बोल के उसकी नाव और दूर जाती जाती है, ठीक है, किंग ओथर की नाव और दूर होती जाती है। फिर क्या होता है कि जब बेडी बियर होता है वो बहुत तेज़ चिल्लाता है, कहता है महाराज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं अकेले क्या करूँगा, और बहुत रोता है बहुत रोता है, बट वो जो नाव है वो धीरे 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 और दूर जाते जाते आँखों से हट जाती है, यानी कि जो बेडी बियर की आँखों के सामने से हट जाती है, बिल्कुल ही गायब जाती है, और बेडी बियर अकेले रह जाता है। तो ये जो स्टोरी है, ये टोटल 8 बुकों की स्टोरी है, मतलब 8 बुकों की बताई गई है, जो कि 21 बुक लिखी गई थी ले मोटर डी ऑथर में, और मोटर डी ऑथर में सिर्फ 8 बुक को डिस्क्राइब किया गया है, वो भी लास्ट मोमेंट को। तो ये सारा कंप्लीट हुआ, मैंने आप सभी को बताया। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।